प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मिस्टर दीपेश बक्तानी, ये जो जेसी ग्रुप है, दिस द डायरेक्टर्स ऑफ दिस ग्रुप हैज बीन कॉनिंग पीपल, हैज बीन फूलिंग पीपल सिंस 2012। सो दे हैव सम फोर प्रोजेक्ट्स विथ अप्रोक्सीमेटली 2500 प्लस पीपल हु हैव इन्वेस्टेड इन फ्लैट्स, some 800 crores of rupees which this guy has taken from 2012 till 2016. People have been investing, he has been fooling, and he has been constantly telling to everybody that the project would come up, that the project would come up, this approval is pending, that approval is pending. Specifically for Savana, we started investing in 2014. Since 2014 till 2016 we kept investing, and he told us that he would be starting the project. Later on, when the project did not start, and when we started finding out from him what is the issue, the only reason that he gave us ki Maharashtra mein high court ne ban lagaya hua hai kisi new project ko start hone ke liye, nahi to our approvals are ready, we would start as soon as high court removes this ban. We waited for that, even that came to an end, but this guy has not even laid a stone on the ground. इसके पास कोई अप्रूवल नहीं, कोई आईओडी नहीं, कुछ भी नहीं है। आज के डेट में करीबन सवाना स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में 750 लोग हैं जो फंसे हुए हैं, ईओडब्ल्यू के चक्कर काट रहे हैं पिछले 2 साल से। कोर्ट में बात जा चुकी है, कोर्ट इज एक्सट्रीमली हेल्पलेस इज व्हाट इज अपियरिंग टू अस। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, इसने उस ऑर्डर का कंटेम्प्ट किया। पहली बार 22 करोड़ मांगा, कंटेम्प्ट किया। दूसरी बार 13 करोड़ मांगा, कंटेम्प्ट किया। ये बोला कि आप कोई भी बाहर नहीं जाओगे, इंडिया के बाहर विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट यू गाइज विल नॉट गो, यू गाइज एज इन मुकेश बक्तानी, दीपेश बक्तानी एंड हिज ब्रदर फादर लक्ष्मण बक्तानी। सो ऑल दिस थ्री पीपल वर सपोज टू स्टे इन इंडिया सिंस द कोर्ट हैड आस्क्ड देम। राइट आफ्टर दिस ऑर्डर, अ वीक आफ्टर दिस ऑर्डर, टू ऑफ देम, द ब्रदर एंड द सन एंड द फादर, दे वर आउट ऑफ इंडिया, and the court has failed to bring them back, pass any order, and neither take any action against this contempt. विक्टम्स आहेत ज्यांनी या प्रोजेक्टमध्ये इन्व्हेस्ट केले फ्लॅटसाठी, ओके, सगळ्यांनी चेकमध्ये पेमेंट केलं आहे, ओके, आणि ते एका अकाउंटमध्ये गेलं आहे, MD डेकॉनच्या अकाउंटमध्ये, आणि नंतर जेव्हा ह्याला ईओडब्ल्यूनी अरेस्ट केला तेव्हा त्या अकाउंटमध्ये एकही पैसा नव्हता, ओके, आणि नंतर तो बोलतो आहे की माझ्याकडे पैसे नाही, मी पैसे देणार नाही, ओके, आणि त्यांनी आता लोकांना सांगितलं आहे की तुम्ही 6 महिने थांबा, मी तुम्हाला पैसे देतो, पण 6 महिने गेले अजून काही पत्ता नाही, त्याच्या अकाउंट्समध्ये पण 0 बॅलन्स आहेत, आणि त्याचे पैसे सगळे दुबईला गेलेत असं ऐकण्यामध्ये आलं आहे, आणि त्याचे भाऊ आणि त्याचा वडील दोघे दुबईला आहेत तिकडे, आणि ते पैसे मॅनेज करतायत तिकडे, आणि हा इकडे ईओडब्ल्यूला मॅनेज करतो, सगळ्यांना बोलतो तुम्हाला जे करायचं आहे ते करा, मला विचारायचं लॉच्या वरती कोण आहे का, इकडे काही शासन नाही आहे, काही गव्हर्नमेंटला काही घाबरायचं नाही आहे, सगळ्यांना बाय करतोय असं चालू शकतो का? तर माझं एकच रिक्वेस्ट आहे की प्लीज मीडिया तुम्ही हायलाईट करा आणि आमचे पैसे आम्हाला लवकरात लवकर रिफंड मिळून द्या। मेरा नाम सुशील बोठियाल है, मैं बक्तानी ने हमें भी लूटा है, हमारे जो है मेहनत के पैसों को लूटा है। मोदी जी पूरे देश में ये कहते हुए फिर रहे हैं अभी कि जो है मैंने बहुत सारे लोगों को घर दिया, बहुत सारे लोगों को घर दिया। हम लोग, मोदी जी की सरकार है, यहाँ महाराष्ट्र में भी मोदी जी की सरकार है, यानी बीजेपी की गवर्नमेंट है, हम लोग भी तो क्या कह रहे हैं, हम भी तो पिछले 1 साल से सिर्फ यही कह रहे हैं मोदी जी से हाथ जोड़ के और फडणवीस जी से हाथ जोड़ के कि भाई हमारे पैसे इन भक्तानी बिल्डरों से दिलवा दो। नीरव मोदी भागता है तो आप लोग शोर मचाते हो, मेहुल चौकसी भागता है तो शोर मचाते हो क्योंकि बैंक का पैसा लेके भागा है, वो पंजाब नेशनल बैंक का पैसा भी लेके भागा है, वो बड़े आदमियों का पैसा लेके भागा है, और हम छोटे छोटे होम बायर से उनका पैसा लेके भागा है तो आप लोग हल्ला नहीं मचाओगे? लक्ष्मण भक्तानी दुबई चला गया, उसका बेटा मुकेश भक्तानी दुबई चला गया, दीपेश भक्तानी को आपने पकड़ा, जेल में रखा, लेकिन आपकी सरकार में इतनी ताकत नहीं है, आपके वकीलों में इतनी ताकत नहीं है कि उसको अंदर रख पाओ, उसको बेल मिल गई। कहाँ जाएं हम, किसके पास जाएं हम? इतने लोगों का, 2500 लोगों का पैसा लूटा है, 800 करोड़ रुपया लूटा है, एकदम आम आदमी का जो सड़क पे रहता है, कहाँ जाएंगे उस आदमी का पैसा लेके हम लोग कहाँ जाएंगे?
कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के अंडर कहते हैं, हाई कोर्ट अगर कुछ कहता है तो कोई भी अगर उसकी बात नहीं माने तो उसको जेल हो जाएगी। हाई कोर्ट में इसमें बोला भक्तानी ने हम 22 करोड़ देंगे, उसने वादा किया हाई कोर्ट से, शपथ पत्र दिया, एफिडेविट, मुकर गया। फिर बोला 13 करोड़ देंगे, एफिडेविट दिया हाई कोर्ट में, फिर मुकर गया। फिर बोला 100 करोड़ देंगे, वादा किया, शपथ पत्र दिया, फिर मुकर गया। अरे हम अगर सिर्फ 1 रुपए 100 रुपए के लिए मुकर जाए ना तो पकड़ के आपकी पुलिस हमको जेल में डाल देगी, लेकिन आपने इतने जो कि बड़े लोग हैं, शक होता है हम जैसे आम आदमियों को कि क्या शायद आप लोग पैसा लेके जो है अपने पास रखते हैं क्या। राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।